हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कात्या किड्स लर्न विद फन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदी व्याकरण से एक और अध्याय अनेकार्थी शब्द के बारे में। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिएगा, इससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरी माँ के पास हीरों का हार है, हम मैच हार गए। कपड़े में शीतल जल है, मेरा हाथ जल गया। दशहरी आम बहुत मीठा होता है, यह आम रास्ता नहीं है। तीर लगने से हंस घायल हो गया, गंगा के तीर पर कई नावें बंधी थी। अरे यह तो एक ही शब्द है, इनका प्रयोग अलग अलग जगह पे हुआ है। तो ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो चलिए जानते हैं परिभाषा। एक से अधिक अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इन शब्दों का प्रसंग बदलने पर अलग अर्थ निकलता है। आइए जानते हैं इसके कुछ उदाहरण यानी एग्जाम्पल्स। कर, हाथ, किरण, टैक्स। कल, मशीन, आराम, आने वाला या बीता हुआ दिन। आइए जानते हैं कुछ और उदाहरण। पृष्ठ मतलब पन्ना, पीछे का भाग। भूत, इसका अर्थ प्रेत और बीता हुआ समय। कुल, वंश, सब। दंड, डंडा, सजा, एक व्यायाम। कनक, सोना, गेहूं। पत्र, पत्ता, चिट्ठी। मत, राय, नहीं, मना करना। घन, बादल, भारी और बड़ा हथौड़ा। मुद्रा, सिक्का, मुक्का भाव। अंबर, आसमान, वस्त्र। तो आइए करते हैं कुछ अभ्यास कार्य और इसे और अधिक अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का दो अलग अलग अर्थों में वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कुल, कुल का मतलब हमने देखा वंश और पूरा, तो इनसे जोड़ करके हमें वाक्य बनाना है। तो मैंने एक वाक्य बनाया, मैंने अपने कुल की रक्षा की। और दूसरे कुल का वाक्य बनाया, मैंने कुल 7 केले खाए। तो बाकी को आप जल्दी जल्दी बनाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला प्रश्न है, उचित अनेकार्थी शब्द से वाक्य पूरे करो। श्री राम पीले रिक्त स्थान पहनते थे, तो होगा यहाँ अंबर। मानसी से भारी घन उठाया न गया। सड़क पर मत खेलो। आज हमारी कक्षा में कुल 7 बच्चे आए हैं। मनीषा ने अपनी दादी को पत्र लिखा। अनेकार्थी शब्दों को उनके अर्थ से मिलाओ। एक पहले से किया हुआ है, बाकी को हमें करना है। आम एक फल है और एक शब्द है, इसका अर्थ है साधारण। शब्द है सिक्का, हम मिलाएंगे इसे मुद्रा से, और मुद्रा का दूसरा शब्द होगा चेहरे का भाव। अगला शब्द है प्रेत, इसे मिलाएंगे भूत से और बीता हुआ समय से। अगला शब्द है डंडा, दंड, और इस शब्द को मिलाएंगे सजा से। अगला शब्द है किनारा, इसको मिलाएंगे तीर से, और अगला शब्द मिलाएंगे बाण से। नीचे दिए गए चित्रों के लिए एक शब्द लिखो। तो चित्र बने हुए, इनके लिए हमें एक शब्द लिखना है। देखो डंडा बना है और माँ अपने बेटे को डांट रही है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, दंड। अगला है पत्र, उसके बाद है बाली, उसके बाद का शब्द होगा मुद्रा। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा।
तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल कमेंट। स्टे कनेक्टेड विथ मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन वॉच कात्या किड्स लर्न विथ फन।